सूखा हुआ मछली। नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्यान महोत्सव बिहार 2021 और यहाँ एक स्टॉल लगा है जिसमें कि मशरूम के प्रोडक्ट्स हैं। मशरूम तिलौरी, मशरूम भुजिया, मशरूम नमकीन, मशरूम बड़ी, मशरूम बिस्किट और मशरूम अचार। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे जरा। मैं संगीता कुमारी जी, मशरूम। कहाँ से? रामपुर बकरा। रामपुर कहाँ? लालगंज रोड। लालगंज वैशाली। लालगंज वैशाली। ये प्रोडक्ट्स जो बना रही हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मशरूम के ही बने हुए हैं। ये प्रेरणा कैसे मिली कि मशरूम का ये प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहिए? हम लोग मशरूम का खेती करते हैं जी, और उससे में जो बिकता है सो बिकता है, जो नहीं बिकता है उससे हम लोग को ध्यान आया, जो हम लोग इससे प्रोडक्ट बना ले। प्रेरणा कैसे मिली कि इसमें भी इस तरह का प्रोडक्ट तो अभी और कोई महिला कर रही है क्या, बना रही है क्या? नहीं, जो मशरूम खाना नहीं पसंद करते हैं उनके हेल्थ के लिए कुछ तो मशरूम का प्रोडक्ट हो जाएगा तो उनको फायदा करेगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि और भी कोई महिलाएं हैं जो कि मशरूम से बने हुए इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो बना रही हैं बिहार में? बना रही हैं महिलाएं। लेकिन एक बात बताएंगी, क्या कहते हैं, अभी जो है ये प्रोडक्ट जो मशरूम से बने हुए हैं और आप यहाँ स्टॉल लगाई हैं, तो अभी आपका जो ये प्रोडक्ट्स उसका कैसा मार्केट में डिमांड्स है, मांग कैसा है? हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ, डिमांड चेक करने के लिए ही तो हम लोग यहाँ है। जैसे देखिए, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग कर देंगे और फिर रेट बहुत बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मांग कैसी? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। और कोई समस्या इसमें? अभी फिलहाल लोगों को जानकारी नहीं है इस विषय में। जैसे जैसे हम लोग मेला लगा रहे हैं तो लोगों को जानकारी बढ़ रही है, धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी तो इस चीज की डिमांड भी बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि इसको खाने का फायदा समझ में आएगा लोगों को। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, ये मात्र एक ऐसा चीज है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है और किसी चीज में नहीं पाया जाता है, कोई फल कोई सब्जी कुछ नहीं है ऐसा। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जानेंगे इसके बारे में वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं क्या है? ये मशरूम बड़ी है। बड़ी है, इसमें भी मशरूम ही मिला है। कौन सा मशरूम है ये? ओइस्टर। ओइस्टर मशरूम, समय ओइस्टर मशरूम ही है केवल जी। और दूसरे मशरूम का उपयोग नहीं किया जाता है क्या इसमें? नहीं, बटन सुखाने पर काला पड़ जाता है, ऑर्गेनिक नहीं। अच्छा अच्छा, केमिकल। तो ये जो है क्या कहते हैं, क्या ओइस्टर मशरूम जो है उसका उपयोग हम ये सब में कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स में? मशरूम तिलौरी, मशरूम भुजिया, मशरूम नमकीन, मशरूम बड़ी, मशरूम बिस्किट और मशरूम अचार। अचार भी है, ये क्या है? वो चिक्की है, मशरूम चिक्की है। चिक्की मतलब इमली वाला? नहीं, गुड़ और मशरूम का बना। मीठा स्वाद है, मीठा स्वाद है। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप, ये जो प्रोडक्ट्स आपका है मशरूम का, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को ट्राई करना चाहिए, छोटे